अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत बड़ी अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये अपडेट जारी करके बताया है और सच में दोस्तों वर्करों को जो सैलरी का टेंशन है वो दूर कर दिया है। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि वर्कर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता, कोई भी न्यूज़ आता, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो अपडेट ये है दोस्तों कि मान लिया आपकी अगर सैलरी, यहाँ पर जो गवर्नमेंट का रूल है कि अगर मान लिया 1 महीना आप कंटिन्यू काम कर दीजिए, तो 1 महीने और 15 दिन के अंदर, मान लिया 1 महीना हो गया आपको 15 दिन और 1 तारीख के बीच में, ठीक है, 2 तारीख 5 तारीख 10 तारीख के बीच में, मतलब आपको सैलरी कंपनी को देना फ़र्ज है। जो कंपनी अगर ऐसा नहीं करेगी उस पर गवर्नमेंट की तरफ से फ़ाइन आता है। ये सारे इमारात में, जो भी सारे स्टेट, जो यूएई के 7 इमारात में ये रूल लागू है। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों एक अपडेट आया है, खलीफ टाइम्स में ये अपडेट आया था, आर्टिकल आया था गवर्नमेंट की तरफ से, और बताया गया था कि मान लिया आपकी कंपनी अगर, ठीक है, 1 महीने और 15 दिन की सैलरी रोक दी है, 16वां दिन 17वां दिन आपकी सैलरी नहीं दे रही है, तो आप चाहो दोस्तों तो मिनिस्ट्री में बता के, ऐसे नहीं दोस्तों आप में कॉल करके बता के कि मेरी कंपनी मुझे इतने दिन की सैलरी पेंडिंग है। वो लोग सिस्टम में चेक भी करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अपने मुंह से बोल दोगे तो वो लोग नहीं मानेगा, वो लोग सिस्टम में चेक करता है। अगर सिस्टम में पाया जाता है कि हाँ सच में इसकी सैलरी डिले है, तो आप बगैर बताए कंपनी को दोस्तों आप दूसरी जगह जॉब स्विच कर सकते हो, बट मोहरे को लाजिम आपको बताना पड़ेगा। बेडाउन मोहरे को बताए हुए आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो गवाह है और जो आपका डॉक्यूमेंट है वो मोहरे ही है। तो मोहरे में कॉल करके बता सकते हो कि सर मेरा इतना दिन का सैलरी पेंडिंग है और मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ये राइट देती है वर्करों को कि वो चाहे तो अगर उसकी कंपनी सैलरी डिले कर दी है तो वो दूसरी कंपनी में जाकर जॉब चेंज कर सकता है। तो ये कुछ अपडेट था दोस्तों, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक